सुबह सुबह क्रैक मूवी देखने के बाद दिमाग क्रैक ही हुआ था कि फटाक से जाकर दबा लिया, आई मीन यामी गौतम की आर्टिकल 370 मूवी देखी। अब देखो इस फिल्म को हर कोई एंजॉय करे ये जरूरी तो नहीं, लेकिन फिल्म का पॉलिटिकल थ्रिलर जॉनर होने के बावजूद, इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स होने के बावजूद भी फिल्म टेक्निकली और सिनेमैटिकली ब्रिलियंट डील करते हुए नजर आती है। अगर मैं इस फिल्म को एक लाइन में रिव्यू करूं तो इतना ही कहूंगा कि आर्टिकल 370 के लिए अगर मेरे को 370 रुपए का भी टिकट लेना पड़े तो दो बार लूंगा। आर्टिकल 370 इज एक्सीलेंट, क्लेवर, स्मार्ट एंड करेजियस फिल्म। इट वॉज अ लेस ऑफ एन एक्शन एंड मोर ऑफ ए ड्रामा, एंड वो जो चैप्टर वाइज स्क्रीन प्ले नजर आना, दैट वॉज सिंपली फैंटास्टिक। बस इतना समझ लो कि भाई क्रैक देखते वक्त नींद आ रही थी और आर्टिकल 370 ने नींद उड़ा दिया। जब आप इस फिल्म की कहानी की ओर ध्यान देते हो तो आपको बहुत सारे साइड भी नजर आते हैं एंड फिल्म आपको नॉलेज भी देती है। इनफैक्ट आप ऐसे ऐसे थॉट्स से भी वाकिफ होते हो कि कैसे टेररिज्म एक धंधा है एंड कैसे कश्मीर के लिए भी लोगों ने अपना अपना फायदा उठाया था। लेकिन जब क्लाइमेक्स में आप अपने 70 साल का ख्वाब पूरा होते हुए देखते हो, वहां पर दो प्लॉट साथ में चलते हुए नजर आते हैं जहां पर आपको गूज़बम्प्स आना तय। अमित शाह की जिसने भी मिमिक्री की भाई साहब उसको अवार्ड दो, इतना परफेक्ट लग रहा था, इतना परफेक्ट। एंड जिसने मोदी जी का मिमिक्री किया, ओहो, उसकी बॉडी लैंग्वेज को तो आप दाद दे दोगे। जिस हिसाब से उसकी वॉकिंग थी, अंदाज थी और उनका जवाब देने का स्टाइल भी लाजवाब। अब देखो फिल्म की कहानी से जो लोग वाकिफ रहेंगे वो लोग फिल्म को बहुत ही ध्यान से देखेंगे। वही कुछ लोग बोल देंगे कि भाई साहब इलेक्शन आ रहा है तो फिल्म का प्रोपेगेंडा भी रह सकता है, बट मैं बोल रहा हूं पर्सनली मेरे को ऐसा कोई भी एंगल नजर नहीं आया। क्योंकि देखो फिल्म चाहती तो वाहवाही भी दिखा सकती थी, वहीं ऑपोजिशन के बहुत सारे ब्लेम एंगल्स भी दिखा सकती थी, लेकिन फिल्म ने अपना पॉइंट पे रहना बहुत जरूरी समझा। वहीं साथ ही साथ सिनेमैटिक ट्रीटमेंट को भी प्रायोरिटी दिया, जो कि आपको फिल्म देखने टाइम पूरा नजर आता है। स्पेशल मेंशन में एक और चीज की दूंगा कि फिल्म का बीजीएम स्कोर इतना क्लासिक था कि एंगेजमेंट का माहौल एकदम स्ट्रांग हो जाता है। भाई अंदर से गांठ पड़ जाती है कि अब कुछ होगा। इस वे का ट्रीटमेंट नजर आता है साउंड डिजाइन का, ओहो, आप बोलोगे कि ये माहौल बना दिया फिल्म ने। अब आखिरी में मैं यामी गौतम की बात करूंगा तो सबसे पहले इतना ही कहूंगा कि आई लव यू, क्या ही परफॉर्मेंस था। उनकी आंखें बता रही थी कि उन्होंने इस फिल्म को क्या ही फील किया हर एक फ्रेम। इनफैक्ट कुछ मोनोलॉग्स बीच बीच में जो आया है ना, यामी ने रोंगटे खड़े कर डाले। क्या ही लेवल पे उसने डायलॉग डिलीवरी की यार, उसका लीग अब मेरे को लग रहा बहुत ही अलग हो गया है। जिस हिसाब से बैक टू बैक अपने दम पर वो ऐसे मजेदार फिल्म ला रही है, जवाब ही नहीं। ऐसा लगता है विद्या बालन, कंगना रनौत एंड अभी के टाइम पे रानी मुखर्जी जो टाइप की फिल्में करिए, उसके बाद अब बोल सकते हो कि यामी गौतम ने वो जिम्मेदारी उठाई कि कैसे वो यमी प्रोजेक्ट्स करेंगी, वो भी अपने दम पर। ओवरऑल आर्टिकल 370 परफेक्ट फिल्म है, वो भी हर डिपार्टमेंट में। दिस डिजर्व ऑल योर अटेंशन, प्लीज जाकर देखना, मजा आ जाएगा। मैं दूंगा 4 out of 5 stars। इस फिल्म से आप अपना नेशनल सिनेमा डे वसूल कर सकते हो। मिलते अगले वीडियो में, बाय।